नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए और इंटरेस्टिंग क्रिकेट एपिसोड के सीरीज में। तो दोस्तों, आज जो है सबसे पहले शुरुआत करते हैं एमएस धोनी और उनकी बेटी जीवा के साथ में। हमने देखा भाई किस तरीके से जो चेन्नई की टीम थी वो भाई केकेआर के सामने हारी। उसके बाद में जो है पब्लिक लोग ने बहुत जो है ज्यादा धोनी को और जो उनकी बेटी थी जीवा दोनों को जो है भाई बहुत ही मतलब की ज्यादा धमकियां दी, जिसके बाद जो भाई जो मतलब की धोनी का घर था रांची में उसके बाहर जो है भाई पुलिस फोर्स भी तैनात थी। लेकिन ये जो है बहुत ही रॉन्ग है, क्योंकि अगर आप लोग मैच हारते हो उसका जो गुस्सा है जो पब्लिक है वो भाई उनकी बेटी जीवा को जो है धमकी दे रहे हैं। आप लोग समझ सकते हो कि वो धमकी किस तरीके से मिल रही है और क्या धमकी हो सकती है। तो ये जो है बहुत ही खराब है। गेम को जो है गेम की तरह खेलना चाहिए, इसको जो है ज्यादा पर्सनली लेना नहीं चाहिए। अभी जब बात निकल आई है चेन्नई की, तब भाई हम लोग आज जो है थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं चेन्नई की टीम में क्या गड़बड़ चालू है। ये साल जो सबसे पहले रायना टीम को छोड़ दिए, हरभजन सिंह यूएई में नहीं गए चेन्नई की टीम में खेलने को लेके, और जो चेन्नई का परफॉर्मेंस है ये साल बहुत ही खराब चल रहा है। ऐसा लगता है हम किसी दूसरी चेन्नई की टीम को देख रहे हैं। शायद से जो है कुछ तो चेन्नई की टीम के जो मैनेजमेंट है, जो मतलब कि चेन्नई की इंटरनल टीम है, इसके अंदर जो भाई कुछ ना कुछ दिक्कत और प्रॉब्लम चालू है, जिसका जो मतलब कि असर है वो चेन्नई के परफॉर्मेंस पे पड़ रहा है। बात कर लेते हैं ऋषभ पंत की इंजरी की। तब यहाँ पे जो बहुत ही बुरी खबर आ रही है, श्रेयस अय्यर ने इस बात को जो है कंफर्म कर दिया है। ऋषभ पंत जो है एक हफ्ते के लिए आईपीएल से बाहर हो चुके हैं। मतलब कि जो दिल्ली के आने वाले दो मुकाबले होने वाले हैं, इन दो मुकाबले में जो है ऋषभ पंत हिस्सा ले नहीं पाएंगे। वो जो है सीधा दिल्ली के तीसरे मैच से अवेलेबल रहेंगे। तो ये जो बड़ा झटका है दिल्ली की टीम को, पंत जो है काफी अच्छे फॉर्म से गुजर रहे थे और उनका जो है आने वाले दो मैचेस से बाहर होना दिल्ली को झटका लग सकता है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक जो है आज के मैच की टीम नहीं बनाई माई इलेवन सर्कल पे, जल्दी जाइए अपनी टीम को बनाइए। मैंने जो अपनी टीम बना ली है माई इलेवन सर्कल पे, और अगर मेरी या फिर आपकी अच्छी टीम हो गई और भाई दादा की टीम को हरा दिया, तब आपको या फिर मुझको जो है हमारे विनिंग का दोगुना कैश मिलेगा। अगर आप लोग जो है फर्स्ट टाइम यहाँ पे करते हो डिपॉजिट, तब आपको जो है सीधा 1500 रुपीज का कैश बोनस भी मिलेगा। हर हफ्ते जो है आपके पास मौका है 1 करोड़ रुपीज तक विन करने का। इस ऐप के अंदर जो भाई आप सभी लोग रम्मी सर्कल भी खेल सकते हो, और अगर आप लोग हमारे सब्सक्राइबर हो इस ऐप को करते हो डाउनलोड हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक से, तब आपको जो है तुरंत से 20% का डिस्काउंट कैशबैक भी मिलेगा। ऑफर्स भी है, अच्छे अच्छे खासे मजे मैचेस भी है। जाइए डाउनलोड कीजिए और खेलिए। बात करते हैं मिड सीजन ट्रांसफर की। तब भाई मैं आपको जो है एक छोटी सी लिस्ट देता हूँ आईपीएल 2020 में कौन कौन से बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है जो कि मिड सीजन ट्रांसफर के लिए एलिजिबल है। यहाँ पे जो है सबसे पहले क्रिस गेल, क्रिस लिन, इमरान ताहिर, अजिंक्य रहाणे, टॉम बेंटन, लोकी फर्गुसन, मिचेल मैक्लारेगन, डेविड मिलर और डेल स्टेन। ये है कुछ इंपॉर्टेंट और बड़े प्लेयर्स जो कि मिड सीजन ट्रांसफर के लिए अवेलेबल है, क्योंकि नियम के तहत अगर 7 में से 2 मुकाबले से ज्यादा खिलाड़ी नहीं खेले हैं तब जो है वो लोग ट्रांसफर किए जा सकते हैं। अब भाई जो है कुछ रिपोर्ट आ रही है सीधा बांग्लादेश से। सबसे पहले जो है बात करते हैं बांग्लादेश प्रीमियर लीग 2020 की। खबर आ रही है ये साल जो है बांग्लादेश प्रीमियर लीग होती हुई दिखाई नहीं देगी। इस बात को जो है खुद बीसीबी के चीफ ने बोला है, ये साल कोई भी बीसीबी नहीं होगी, मतलब कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग नहीं होगी। सेकंड बात, हम लोग जो है बहुत टाइम पहले बात करते थे वर्ल्ड 11 वर्सेस एशिया 11 के मैच के बारे में, हालांकि ये जो है वायरस के चलते नहीं हो पाया। इसमें जो है कुछ इंडियन प्लेयर्स भी हमारे खेलने वाले थे एशिया 11 की टीम की तरफ से। इसको लेकर जो है लेटेस्ट रिपोर्ट ये आ रही है कि जो बांग्लादेश की बोर्ड है ऐसा बोले है वो लोग अभी भी 95% चांसेस है कि वर्ल्ड 11 वर्सेस एशिया 11 के बीच में अगले साल हम लोग मैचेस देख सकते हैं। अब बात करते हैं मुंबई इंडियंस की। तो भाई मुंबई ने कल जीत दर्ज कर ली, और इसी जीत के साथ में जो है मुंबई इंडियंस ने रच दिया इतिहास। मुंबई इंडियंस बन चुकी है पहली ऐसी टीम जो कि जो है सभी 7 मतलब कि जो टीम है आईपीएल जितनी भी 7 टीम है उन टीम्स के सामने जो है मुंबई इंडियंस का 50% विनिंग रेशियो है। ऐसा जो है भाई कोई भी और फ्रेंचाइज नहीं है कि उसका सभी टीम्स के सामने 50% का विनिंग रेशियो हो। सिर्फ ऐसे मुंबई इंडियंस है जो कि बाकी 7 टीम्स के सामने 50% का विनिंग रेशियो है।
एट दी एंड बात करते हैं शाहिद अफरीदी की। तब यहाँ पे जो है खबर आ रही है शाहिद अफरीदी को जो है जो पाकिस्तान की डिसएबल्ड क्रिकेट टीम है इसका जो है नया चेयरमैन घोषित कर दिया है शाहिद अफरीदी को। अब बात करते हैं हमारे आज के फैक्ट की। क्या आप सभी को पता है ऐसे कौन से इंडियन बल्लेबाज है जिनके नाम पे जो है आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा हाफ सेंचुरी मारने का रिकॉर्ड हो? वो है शिखर धवन, रोहित शर्मा, विराट कोहली और सुरेश रैना। ये चारों बैट्समैन के नाम पे जो है आईपीएल में कुल 38 बार 50 मारने का रिकॉर्ड है जो कि फिलहाल अभी इक्वल है, लेकिन आने वाले टाइम में जो है ये रिकॉर्ड टूटेगा। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की न्यूज, वीडियो और फैक्ट। मैं आपको मिलता हूँ भाई कल के वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए।